काफ़ी समय से जो है हमें लगातार शिकायत मिल रही थी कि अवैध रूप से बजरी का खनन तथा परिवहन जो है टोंक ज़िला में किया जा रहा है। काफ़ी सारे थाने तथा पुलिस की भूमिका इसमें संदिग्ध थी, तो इस पे जो है एसीबी काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रही थी कि कोई कार्रवाई हो जाए। कल रात को जो है टोंक ज़िले की एसीबी टीम ने एडिशनल एसपी विजय सिंह मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की है। इसमें कैलाश चौधरी जो कांस्टेबल हैं पीपलू थाने के, उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मौके से 1.5 लाख रुपए लगभग जो है मौके से बरामद किया गया है, और इसमें जो पैसा जो कलेक्ट किया गया था कैलाश चौधरी द्वारा, वो SHO के बिहाफ पे किया गया था। SHO विजेंद्र सिंह गिल जो हैं वो मौके से फरार हैं, तो उनके लिए जो हम लगातार जो है अलग अलग उनके ठिकानों पर दबिश दे रहे हैं और लगातार सर्च उसमें जारी है। सर, ये बजरी खनन माफिया और पुलिस, ये पुलिस का गजोड़ा किस तरह काम करता था? बहुत बड़ा एक नेक्सस है जिसको इसमें जो है हर प्रति वाहन जो है 3,000 रुपये वसूले जाते थे, और लगभग जैसे इस थाने की अगर बात करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रतिदिन इकट्ठा किया जाता था एक थाने से। सर जी, और आप बता रहे हैं कि करीब आधा दर्जन थाने जो थे वो ACP के रडार पर है लगभग। इसमें जहाँ तक हमारी सूचना है तो काफ़ी सारे थाने जो हैं लगभग, जैसे मैंने बताया कि आधा दर्जन लगभग थाने हैं जो इस तरह के चीज़ों में लिप्त हैं, तो उस पर देखते हैं भविष्य में जो भी कार्रवाई संभव हो पाएगी उस पर भी करेंगे। इनिशियल इंटरोगेशन में तो यही आया है कि जैसे जो कांस्टेबल है कैलाश चौधरी तथा साथ में 2 व्यक्ति अन्य जो अरेस्ट किए गए हैं, जो कि प्रथम दृष्टया ही मालूम पड़ा है कि बजरी खनन तथा परिवहन से जुड़े हुए लोग हैं, और उनकी साथ में उपस्थिति अपने आप में संदिग्ध है। तो जो कांस्टेबल से प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है तो ये कह रहा है कि हमने SHO के लिए जो है ये पैसा इकट्ठा किया। कुछ और भी शिकायतें हैं सर, या पर्टिकुलर इसी शिकायत पर कार्रवाई हुई है? ये वाली जो कार्रवाई है पर्टिकुलर इसी शिकायत पर हुई है, आगे जो भी डिटेल है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम पड़ेगी।